त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुआ। हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले 7 बजे पहले देखा, काफी बड़ी मात्रा में लोग लाइन में खड़े थे और 4 बजे वैसे चुनाव का समय समाप्त होता है, लेकिन त्रिपुरा में काफी बड़ी मात्रा में वोटिंग होती है, उसके कारण करीब 1682 पोलिंग स्टेशन में 4 बजे के बाद भी काफी लोग लाइन में खड़े थे। एक अनुमान लगाया गया है, एग्जैक्ट नंबर भी हमारे पास उस रिकॉर्ड में है उपलब्ध, करीब 2 लाख लोग लाइन में खड़े थे 4 बजे। तो उन्होंने फिर बाद में वोटिंग किया, कहीं पे 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 तक लोग लाइन में खड़े थे। तो सबसे लास्ट का जो मतदान हुआ वो 10:55 पे रात को तहबंदल में हुआ, धर्मपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। रात को सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में वापस लाए गए और सभी स्ट्रांग रूम कैंडिडेट और सभी ऑब्जर्वर्स के सामने 16 तारीख को रात को ही सील किए गए। स्ट्रांग रूम सील करने के बाद वोटिंग और काउंटिंग में 14 दिन का गैप है, तो इस गैप को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं। जैसे सभी स्ट्रांग रूम 3 टायर सिक्योरिटी में है, अंदर सीएपीएफ है, बाहर पीएसआर है, उसके बाहर पुलिस का रिंग है। यहां पे सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी फिट किया गया है और वो सीसीटीवी का एक फुटेज एक रूम में टीवी पे दिखाया जाता है कंटिन्यूअसली।